My dear students, welcome back in the 21st video of chemistry for class 9. Chapter number 2 is matter around us pure. And dear students, this is the last video based on the second chapter of chemistry. Chemistry ke do chapters aaj khatam ho rahe hain aur ye half yearly tak ka syllabus hota hai. Total 4 chapters hai chemistry mein jisme do chapters yani half yearly tak ka ye last chapter hai chemistry mein. Hum log physics mein bhi pad chuke hain do chapters. फिर इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं अब फिजिक्स पर वीडियो बनाऊंगा थर्ड चैप्टर का. ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का जिसमें हम नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव. इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का. इसका डिटेल में आपको 10th में पढ़ना है. दे आर नॉट लस्चरस. नॉन मेटल्स लस्चरस नहीं होते हैं. नॉन मेटल्स लस्चरस नहीं होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिनमें लस्चरस होता है यानी कि साइन करता है. बाकी जितने सारे नॉन मेटल्स है वो कोई भी लस्चरस नहीं होते हैं. दे आर नॉट मैलिएबल. मतलब हम नॉन मेटल्स को बीट करके थीन सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. पीट पीट कर इसको चौड़ा नहीं कर सकते हैं. दे आर नॉट डक्टाइल. हम नॉन मेटल्स को बीट करके थीन वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉट डक्टाइल कहा जाता है. मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स मैल्यूएबल होते हैं, मेटल्स लस्चरस होते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. क्योंकि सारे डिफरेंसेज यहाँ पे है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जितने सारे नॉन मेटल्स हैं वो जनरली गैसेज होते हैं, जनरली गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर पर. लेकिन ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर. बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, मैंने यहाँ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया. बहुत सारे होंगे, फॉस्फोरस होंगे, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है. बहुत सारे नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स हम उनको कहेंगे जिनके पास नॉन मेटल और मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज हो. उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिनके पास मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है. एग्जाम्पल बोरोन, सिल्कन, आर्सेनिक एट्सेट्रा. कंपाउंड्स और मिक्सचर में आप डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का. कंपाउंड्स और मिक्सचर में कंपाउंड्स में देख रहे हैं पहले. एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं आपस में फिक्स प्रोपोर्शन में तो नया कंपाउंड बनता है. लेकिन एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर. मिक्सचर बनाने के लिए एलिमेंट्स और कंपाउंड सिर्फ मिक्स होते हैं, इसमें रिएक्शन नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस एक मिक्सचर बन जाता है. लेकिन कंपाउंड्स में नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनता है. द कम्पोजिशन ऑफ न्यू सब्सटांस इज ऑलवेज फिक्स्ड. कंपाउंड्स में जो नया सब्सटांस बनता है उसके कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होते हैं. लेकिन मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशंस होता है. मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है मिक्सचर में, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स के फिक्स प्रोपोर्शन मिलकर ही कंपाउंड्स बनेंगे. द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो आपको अभी पढ़ना नहीं है. तो कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स के, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट किए जा सकते हैं. कोई भी ऐसा फिजिकल प्रोसेस नहीं है जिसमें से हम कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को यानी कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सके. एज फॉर एग्जाम्पल वाटर एक कंपाउंड है और जो उसका फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाथ से ऐसी पिक करके यानी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. मान लीजिए आपको पानी दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि उसमें फिजिकल प्रोसेस लगाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दीजिए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल. रीज़न, ये वाटर जो होता है वो कंपाउंड होता है और कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसको कंपोनेंट्स भी कहा जाता है वो केमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट होंगे. ये ऐसे ही फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे. लेकिन कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड इजिली बाई फिजिकल मेथड्स इन केस ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको आसानी से हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नमक और मिट्टी का मिक्सचर दिया गया हो तो आप आसानी से उसमें से नमक अलग और मिट्टी अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से. तो ये रहा आपका कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का डिफरेंस जो कि लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. आशा करता हूँ
कि आप सभी वीडियोस को, इस चैप्टर के जितने सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, सभी को अच्छे से सीक्वेंस में देखें, समझें, प्रैक्टिस किए हैं। थैंक यू।